ये सब तो आप मिनी व्लॉग में देख ही चुके होंगे। अब बात करते हैं आगे की। जैसा कि आज बहुत ही शुभ दिन मंगलवार है और 2023 का पहला मंगलवार भी है, तो आज हनुमान जी के मंदिर जाने का निर्णय लिया। मगर ठेस बुद्धि और ठीक ठाक बंदे के बिना थोड़ी ना जाऊंगा। और हम तीन लोग नहीं, हम चार दोस्त जा रहे हैं। चौथा कौन है? नॉन हरियाली पृथ्वी। और सर्दी का प्रकोप भी बहुत हो रखा है, तो सर्दी से भी बचना, ये बात भी ध्यान रखनी है। नहीं यार, मंदिर हनुमान जी के मंदिर तो लौट के आए, तो मेरे का कुछ लिया नहीं हो। काले क्या होते हैं? प्रसाद ले आऊंगा। प्रसाद हैं? प्रसाद ले आऊंगा। मंदिर आ रहे हैं, लेकिन ना यार है। हाँ, वहाँ साले का आंगन। रास्ता में दुकान तो मिलेगी। ना ये ना। चलो मैं लेके आऊंगा। पल्लो लाना ना। हाँ ले आऊंगा। ध्यानते। हाँ भाई ध्यानते। ऐश करो। सुंदर वाले का लिए, सुंदर वाले का। हाँ सुंदर चाट भंडार। चल ठीक है। वापस आएंगे भैया, वापस गंजी को। पप्पू वापस ले आएंगे। नहीं भाई ले आऊंगा। चलो। नहीं चल नहीं। तू रहने दे। नहीं। नहीं। तुम मंदिर में जाते हो वो जान नए कपड़ा पहने हैं। ये पुराने हैं। ठेस बुद्धि कभी कभी अच्छे कपड़े क्या पहन ले, सबको शक होने लग जाता है। मेरी बहन राखी सोच रही है कि हम मंदिर नहीं कहीं और घूमने जा रहे हैं। क्या मॉर्निंग को पैंट लग रहा है? जूता। ये मेरा भांजा नानी घर पर मौज मार रहा है। कंत्यारा डोल गया। चलो चलो आया। यार ये पैदा पैदा ले आ रहे हैं, गाड़ी चले चल के। एक ही बाइक है, चला ले आओ। यार हम तीनों ऑटो से जा रहे हैं। ऑटो से जाने की हमारी दो वजह है। पहली कि एक बाइक पे तीन लोग जाएंगे तो चालान होगा। हाँ ये पहले कर लो। हाँ दूसरी वजह ये है कि ठंड बहुत है, अगर बाइक से जाएंगे तो तीनों में यही लड़ाई होती रहेगी कि तू चलाएगा तू चलाएगा। तो हम ऑटो ही प्रेफर करते हैं, उसका इंतजार करते हैं। और वो आ गया। राजपुर बैठ। और हम चल देते हैं। थोड़ी देर बाद ऑटो में इतनी सवारी आ जाती है कि मुझे कोने में दबा देते हैं। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं जहां से हमें बाकी का सफर नॉन हरियाली पृथ्वी के साथ तय करना है। हमसे बोला था कि मैं तो वही रोड पर खड़ा मिलूंगा, मगर वो मित्र ही क्या है जो समय पे आ जाए। गुस्सा नहीं पगली, प्यार चाहिए। वाह। और फाइनली ये आ तो जाता है मगर भाई मैं किसी से पहली बार मिलता हूँ तो ऐसे मिलता हूँ। हम हनुमान जी के प्राचीन मंदिर जा रहे हैं जो कि सदर में है। हनुमान मंदिर चलोगे? सदर हनुमान मंदिर है। अब इतना भी दूर नहीं है कि 15 रुपए लिए जाएं। 10 रुपए में बिजली पहुंच जाऊंगा। 15 रुपए में लिए हां तो 5 रुपए और लगेंगे। लिफ्ट लेके चल रहा है, दे देगा कोई आधे सही आधे चाहिए होंगे। पहले मैं जाऊंगा फिर तू फिर ये दो। ठीक है चल ट्राई करते हैं। मुश्किल से 2.5-3 किलोमीटर दूर होगा, तो हम सोचते हैं कि लिफ्ट लेके चलते हैं, मगर चार लोग और लिफ्ट नॉट पॉसिबल। मगर हम ऑटो में ही बैठे आते हैं। वैसे हम पैदल भी जा सकते हैं, इतनी दूर भी नहीं है, मगर हम जल्दी की वजह से जा रहे हैं क्योंकि फिर जितना लेट होंगे उतनी ही भीड़ हो जाएगी। अंकुश। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं। मेन रोड से थोड़ा सा ही अंदर है तो वहां तक हम पैदल पैदल जाते हैं। ये तो जो उठाने तो नहीं आए हैं, ये तो आधी जा रही है। मैं मुड़ गई नहीं, वो अभी तेरे को उठाने आया। वो सर्दी तो अच्छी खासी हो रखी है और इस नॉन हरियाली पृथ्वी को ठीक ठाक बताओ ठेस बुद्धि कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह चुप रहे हैं। इस नॉन हरियाली पृथ्वी को ठेस बुद्धि और ठीक ठाक बंदे से डर लग रहा है। अरे बच्चे हैं यार, देख सकल कितनी मासूम है, देख देख ऐसे कोई भोला होगा इसके बराबर। इससे मत डर तू भाई, मुझे से डर तू भाई। तू थोड़ा टोप वापस सही लगा ले, डर रहा है वो तो से। अब ठीक है, अब तो बच्चा लग रहा है। मैं
इस हरियाली को ठेस बुद्धि की मासूमियत बिल्कुल पसंद नहीं आई और सटे आके ईंट पत्थर उठाने लग जाता है। अब जितना इनसे कोई दूरी बनाएगा या इनसे भागेगा इन्हें उतना ही मजा आने लग जाता है, यानी कि हमें, क्योंकि दिमाग में तो खुजली है ना। अब कोई उदम नहीं, हम मंदिर आ गए। जय बजरंगबली। भीड़ तो नहीं कह सकते ज्यादा क्योंकि सभी लाइन में लगे हैं डिसिप्लिन से। प्रसाद वगैरह तो ले ले। और हम बजरंगबली के प्रसाद के लिए बूंदियां लेते हैं और फूलों की माला लेते हैं। और हम सभी लाइन में लग जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। क्या मतलब पहुंच नहीं पाया, चला गया। हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन पाने के बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बजरंगबली आपका। आप सब भी बोलिए जय बजरंगबली। दर्शन पाने के बाद हम फिर वहां से चल देते हैं, मगर पहले हम प्रसाद खाएंगे। भाई प्रसाद है, पूरे खानदान का ले रहे हो क्या? कितना लिया है? और आज बहुत ही पवित्र दिन मंगलवार है तो ये लाइन चलती रहेगी। कहाँ चलना है अब? हमें एक खोखे की तलाश में। ठंड तो काफी बढ़ चुकी है और ठंड के साथ साथ इनके दिमाग की खुजली भी। ठंड लगती है तो सभी तांपने बैठे आते हैं, मगर ये धुआं पृथ्वी की हरियाली को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। सारा धुआं पृथ्वी की तरफ भेज के इसकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाऊंगा। इसी चीज ने मुझे परेशान करके रखा है। और यहाँ हमें हमारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। थैंक यू ब्रदर फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई तो से कुछ नहीं कह रहे वो इनका दोस्त तू। ये तो ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई। फिर ठीक ठाक बंदा और ठेस बुद्धि सुनसान रोड पर इस हरियाली को कुछ भूतिया कहानी सुनाते हैं। तो बाबा तुमने एक जीव सी दिखेगी और तुम देख के बाद डर पे जाएंगे। तो वो असली जीव होगी या फिर वो नकली होगी? मतलब तुम काला जादू कर देते हैं ऐसा? नहीं। और जैसे दूसरे गांव में रखने जाते हैं तो दूसरे गांव वाले गोलियां भी चलाते हैं जो रखने जाता है उसके, क्योंकि भाई गांव में बीमारी चेक कर देता है दूसरे संपर्क। बीमारी शिफ्ट करते हैं एक गांव से दूसरे गांव में। पृथ्वी के यहाँ चली गया तो मटकी उड़ के जा रहे। घर में कोई भैंस नहीं है। एक अमीनों के घर का गेट ऐसा होता है। ठीक ठाक बंदा कुछ करता पे दिखाएगा। मम्मी हम उससे ना उलझो, मैं कमजोर हूँ, आपकी हरियाली मुझसे सहन ना होगी। और उधर से हम पैदल पैदल ही आते हैं। फिर हमारा मन थोड़ा चंचल होता है और कहता है हमसे कि मोमोज खा लो। अब 40 रुपए की फुल प्लेट है तो 10 रुपए दे दो। 10 20 30 40 10 20 30 40 मेरा आखिरी सिक्का था। ओए ला भाई, भाई मेरे भी दे दे। ठीक है मेरे भी एक। ओए ओए ओए। ठीक ठाक बंदा फिर मोमोज लेकर आता है और प्यार से खाने के लिए एक तरफ चलते हैं, मगर मोमोज 10 हम 4 हिस्सा तो खैर ठीक से नहीं हो पाएगा। पहले ये एक एक खा जाते हैं क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कहीं मैं रह ना जाऊँ तो मैं एक साथ 3 उठा लेता हूँ, मगर मेरे उठाने का फिर ऐसी लूट होती है कि चलो इनसे ही पूछते हैं। 3.5 4 झूठ बोला इसने, 2.5 खाया। मेरा ने वाला छीनने वाले को आज 10 दोगे रात में गाइस। वैसे आधा मोमोज खा के कैसा लगा आपको? इसने मेरे हिस्से का खाया, उसका पेट खराब होगा आज। अब ये दुखी ना हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि चलो एक एक पेटीज खा देता हूँ। अंदर खाएंगे वहाँ पे बैठ के। देखा यार। और हमें हमारे फिर एक और सब्सक्राइबर मिलते हैं। थोड़ा सबर कर ले भाई। भाई 40 रुपए बाकी पैसे फिर घर जाने के लिए। भाई कितने चाहिए? एक सेकंड 15 बोर जा। 96 तुम गरीबों से ना हो पाएगा। अब पैसे तो मेरे पास थे ना पेटीज खिलाने के, पर मैं सोच रहा था कि बात ही बात है, कुछ मिल जाए तो इनसे मिल ही जाए। खुश है अब? खुश है। और ये खा पी के फिर हम अपने अपने घर को निकल लेते हैं। मन तो नहीं है वैसे। और पहली बार में कोई दानव की तरह बर्ताव करेगा तो किसका दोबारा मिलने का मन करेगा। और हम भी फिर ऑटो पकड़ के अपने घर के लिए निकल लेते हैं।
अब रात तो वैसे काफी हो गई है, करीब 8:30 बज रहे हैं। अपनी बहन राखी के लिए भल्ला करे तो मगर वो खत्म हो जाता है, मगर मुझे कुछ ना कुछ ले जाना पड़ेगा वरना वो मेरी आत्मा को मेरे शरीर से बाहर निकाल देगी। और किस्मत से हमें वहाँ पर ठीक ठाक बंदे के दोस्त मिल जाते हैं जो हमें अपनी बैग से घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर ठेस बुद्धि भी कहता है कि भैया हमें भी हमारे घर तक छोड़ा और इतनी सर्दी में यार। अरे फोन चला तेरे दोस्त। राम राम राम। अरे बहुत लेट हो गया ठंड में। मगर बदकिस्मती से पापा ने भी ना घर तक छोड़ के आने की कह दी है। गाड़ी में नहीं चलाऊंगा, गाड़ी तो चला पल्ले ले आऊंगा भाई, वैसे लानी है पल्ले। जल्दी चलाओ मिलते। इतनी कड़ाके की ठंड में बाइक चलाने में तो मौत आती है। कौर आयो छोड़ छाड़ के फिर मैं अपने घर पे आ जाता हूँ। जी एक मेरे यहाँ छोड़ दियो, मम्मी ने दे दी, पापा ने दे दी। मैं पानी पूरी लाया था तो अब खा लो जितनी है, एक एक दो दो। मगर मुझे अब बड़ी तेज भूख लग रही है। खाने में रोटी है, दूध है और क्या है, मठा। मठा कौन पिएगा। सब्जी है, ठंडी पड़ी हुई है, गर्म करनी पड़ेगी। कुल मिला के काम हो जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को तो यहीं खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।